नमस्कार दोस्तों, आज हम उत्तोलक और प्लेन्स के बारे में अध्ययन करेंगे, उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, लीवर में बल भुजा बढ़ाने पर लाभ मिलेगा। इसके ऑप्शन है, ज़्यादा बल में भार उठेगा। सेकंड ऑप्शन है, या कम बल में ज़्यादा भार उठेगा। तो इसका सही आंसर होगा कम बल में ज़्यादा भार उठेगा, क्योंकि बल भुजा बढ़ाने पर, बल भुजा लीवर में ये बीच वाला होता है फलक्रम, ये एफर्ट यानी बल भुजा, और ये वाली होती है लोड यानी भार भुजा। तो ये बल भुजा बढ़ाने की बात कर रहा है, यानी इसको अगर फलक्रम को इधर ले जाएं, यानी ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उससे किसका लाभ मिलेगा, यानी कम बल में ज़्यादा भार उठेगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भार भुजा बढ़ाने पर लाभ मिलेगा, यानी इस वाली भुजा को बढ़ाने पर, यानी इस फलक्रम को और इधर ले जाएं तो वो लाभ मिलेगा। तो भार भुजा बढ़ने पर गति का लाभ मिलता है, इसका ऑप्शन होगा गति का। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्लास लीवर जिसमें भार यानी लोड बीच में होता है, उसका अन्य नाम क्या है? सेकंड क्लास लीवर को हम कौन से नाम से जानते हैं, स्पीड लीवर, फोर्स लीवर या बैलेंस लीवर? तो सेकंड क्लास लीवर को हम फोर्स लीवर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीड लीवर किस लीवर को कहते हैं? ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर या थर्ड क्लास लीवर। तो स्पीड लीवर को हम थर्ड क्लास लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइसेप्स कर्ल, सेटअप या बल्ले द्वारा बॉल को मारना किस लीवर के उदाहरण हैं? ऑप्शन है हमारे, सेकंड क्लास लीवर के, थर्ड क्लास लीवर के या फर्स्ट क्लास लीवर के। तो ये हमारे उदाहरण होते हैं थर्ड क्लास लीवर के, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा थर्ड क्लास लीवर होता है और यूज भी थर्ड क्लास का ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंजे के बल खड़े होना पुशअप्स श्रोता में कौन सा लीवर होता है? इसके ऑप्शन है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर या थर्ड क्लास लीवर। तो इसमें होता है सेकंड क्लास लीवर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोड को फलक्रम से दूर ले जाने पर भार उठाने के लिए प्रयास, ऑप्शन है हमारा, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है? तो इसका सही आंसर होगा भार, प्रयास बढ़ता है। इसमें देखते हैं, इसमें कह रहा है भार फलक्रम से दूर ले जाने पर लोड को, तो ये फलक्रम है, ये लोड है, इसको अगर दूर ले जाएं, यहाँ ले जाएं, तो प्रयास क्या होगा? तो यहाँ से प्रयास बढ़ेगा, ज़्यादातर एफर्ट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्लास लीवर में प्रयास कम हो जाता है जब लोड फलक्रम से आगे बढ़ता है, यह कथन असत्य है या सत्य है? तो यह कथन असत्य है, क्योंकि क्या कह रहा है, लोड फलक्रम से आगे बढ़ता है, यानी लोड को जब इससे आगे बढ़ाते हैं, फलक्रम से लोड को आगे ले जाते हैं, यहाँ ले जाए, तो हमें प्रयास ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो सही आंसर होगा इसका, यह असत्य है, प्रयास ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलन लीवर के रूप में किस लीवर को जाना जाता है? फर्स्ट क्लास लीवर को, सेकंड क्लास लीवर को या थर्ड क्लास लीवर को? तो जो संतुलन का लीवर होता है उसको फर्स्ट क्लास लीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बॉटल ओपनर किस लीवर का उदाहरण है जिससे हम बोतलों को खोलते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? तो उसका सही आंसर होगा सेकंड क्लास। हाँ, इसमें ये निशान गलत लगा है, थर्ड नहीं होगा, ये सेकंड लीवर होगा, बॉटल ओपनर सेकंड क्लास लीवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस समतल की गतियां हैं? तो ये पहला है हमारा सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो गतियां होती हैं वो सजाइटल प्लेन में होती हैं, या फ्रंटल एक्सिस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एबडक्शन तथा एडक्शन किस गति किस प्लेन से संबंधित है?
एडक्शन और अबडक्शन, सजाइटल प्लेन से, फ्रंटल प्लेन से या ट्रांसवर्स प्लेन से। तो ये गतियां होती हैं फ्रंटल प्लेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रंट रोल में कौन सा समतल तथा अक्ष होता है? अगर हम फ्रंट रोल लगाएं तो उसमें कौन सा समतल और अक्ष होगा? उसका आंसर है, ऑप्शन है इसके, ट्रांसवर्स प्लेन और वर्टिकल एक्सिस, या सजाइटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस, या कोरोनल प्लेन, या सजाइटल एक्सिस। तो हम फ्रंट रोल लगाते हैं उस समय होते हैं आपके सजाइटल प्लेन और फ्रंटल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्ट व्हील में कौन सा तल तथा अक्ष होगा? कार्ट व्हील में कौन सा तल तथा अक्ष होगा प्लेन? ऑप्शन है हमारे, वर्टिकल एक्सिस, ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल एक्सिस, कोरोनल प्लेन, या फ्रंटल एक्सिस, सजाइटल प्लेन। तो उसका सही आंसर होगा सजाइटल एक्सिस और कोरोनल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रनिंग के दौरान किस तल में गति होती है? जब हम रनिंग करते हैं तो किस तल में करते हैं? तो फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, या हॉरिजेंटल प्लेन, या ट्रांसवर्स। हॉरिजेंटल को ट्रांसवर्स भी कहते हैं और फ्रंटल को कोरोनल प्लेन भी कहते हैं, कोरोनल। ये हम सजाइटल प्लेन में गति करते हैं। और अगर एक्सिस पूछ ले तो फ्रंटल एक्सिस होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोला फेंक में एथलीट किस तल में गति करता है? तो उसके ऑप्शन है, ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन, या फ्रंटल प्लेन। तो गोला फेंक में जो एथलीट होता है वो आपके ट्रांसवर्स प्लेन यानी हॉरिजेंटल प्लेन में गति करता है। ये आपके लिए नोट है, यानी जिस बिंदु पर तीनों प्लेन मिलते हैं उसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्लेन में घूर्णन तथा चक्रीय गति होती है? ऑप्शन है हमारे, ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन, या दोनों में। तो उसका सही आंसर होगा दोनों में, क्योंकि ट्रांसवर्स प्लेन को ही हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सजाइटल प्लेन का अन्य नाम है? सजाइटल प्लेन का अन्य नाम मीडियन प्लेन, या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, या दोनों। तो उसका आंसर होगा, इसके दोनों नाम होते हैं, मीडियन प्लेन या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट्रैक्शन या प्रोट्रैक्शन गति किस तल में होती है? ऑप्शन है आपके, ट्रांसवर्स प्लेन, फ्रंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन। तो सही आंसर होगा ट्रांसवर्स प्लेन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में संतुलन वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं संतुलन वाले खेलों में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, कारण क्या है? ऑप्शन है इसके, गुरुत्व बिंदु का नीचे होना, गुरुत्व बिंदु या केंद्र का ऊपर होना, या भारी होना। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्व बिंदु का नीचे होना। तो ये थे आपके MCQs। अगर ये आपके आपके लिए अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।